फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी व्यूवर्स का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और आईजीटीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत साप्ताहिक राशिफल, योर वीकली हॉरोस्कोप। और इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपको बताएंगे आने वाले सप्ताह सोमवार 23 मई 2022 से लेकर रविवार 29 मई 2022 के बीच का जो सप्ताह है उसका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के पूरे सप्ताह के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे इस हफ्ते में विशेष ज्येष्ठ महीने के राशि अनुसार विशेष उपाय, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ग्रह और गोचर के बारे में कि पूरे सप्ताह में ग्रह गोचर क्या परिवर्तन कर रहे हैं, कौन सा नक्षत्र कौन सा राशि परिवर्तन हो रहा है। विशेष पर्वों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे शुभ योगों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और ये साप्ताहिक राशिफल है सोमवार 23 मई 2022 से लेकर रविवार 29 मई 2022 तक। आइए बात करते हैं इस पर। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह और गोचर की। इस सप्ताह में सूर्य का सफर वृष राशि में कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण से वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा। चंद्रमा का सफर कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र से वृष राशि में कृतिका नक्षत्र तक रहेगा। मंगल का सफर मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण तक रहेगा। बुध का सफर वक्रीय चाल में वृष राशि में कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण से दूसरे चरण तक रहेगा, यानी कि उल्टी पोजिशनिंग में। गुरु का सफर मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण से आगे बढ़ेगा। शुक्र का सफर मीन राशि में रेवती नक्षत्र के चौथे चरण से मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण तक रहेगा। इसका मतलब ये कि शुक्र देव जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, और ये करेंगे सोमवार 23 मई 2022 को रात को 8:39 पर। शनि का सफर कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह के कुछ विशेष पर्वों की। देखिए, इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा विशेष पर्व नहीं है, लेकिन एक विशेष चीज़ यह है कि बड़े मंगल शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला पर्व मंगलवार 24 मई 2022 को बड़ा मंगल मनाया जाएगा। गुरुवार 26 मई 2022 को अपरा एकादशी, शुक्रवार 27 मई को शुक्र प्रदोष, शनिवार 28 मई को ज्येष्ठ शिवरात्रि, और अग्नि नक्षत्र का अंत होगा, यानी कि गर्मी कुछ ढीली पड़ेगी। रविवार 29 मई 2022 को कार्तिकाय दीपम ज्येष्ठ महीने का मनाया जाएगा, कृतिका नक्षत्र के आने पे। विशेष भगवान भोलेनाथ का ये पर्व है। अब बात करेंगे कुछ शुभ योगों के बारे में। देखिए, इस सप्ताह में कोई भी रवि योग नहीं है। इस सप्ताह में 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, और यह है मंगलवार 24 मई को, गुरुवार 26 मई और शुक्रवार 27 मई 2022 को। इसके अलावा और कोई शुभ योग नहीं है। इस सप्ताह में 2 विवाह मुहूर्त हैं, बुधवार 25 मई को और गुरुवार 26 मई को। तो चलिए अब साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करेंगे। पूरे सप्ताह का आपको राशिफल बताएंगे ज्येष्ठ के विशेष उपायों के साथ में, ज्येष्ठ महीने के। और शुरुआत करता है राशि नंबर 1 मेष, यानी कि एरिस के साथ में। ये सप्ताह मिलाजुला रहेगा, निजी चिंताएं दूर होंगी, पैरों में दर्द से परेशानी होगी, वित्त और व्यवसाय का पक्ष सामान्य रहेगा, रोमांटिक जीवन में खुशियां आएंगी, जीवन साथी को कम समय दे पाएंगे। उपाय ये करें मेष राशि वालों, विष्णु मंदिर में पानी से भरी हुई मिट्टी का मटका या मटकी दान करें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। ये सप्ताह अति व्यस्त रहेगा, दफ्तर में काम का दबाव रहेगा, घरेलू काम स्थगित करने पड़ेंगे, परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, कार्यस्थल पर प्रदर्शन सराहनीय रहेगा, आर्थिक परेशानी हल होगी। उपाय ये करें कि बरगद के पेड़ पर ठंडे फलों का रस चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। ये सप्ताह नकारात्मक रहेगा, आवेश में निर्णय लेने से बचें, व्यवहार पर संयम रखें, कारोबारी योजनाएं जो हैं वो लागू करेंगे, सतर्क रहें, संबंधों में गलतफहमियां होने के योग हैं, दांपत्य में अशांति बनी रहेगी। उपाय ये करें कि भैरव मंदिर में काला छाता दान करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। ये सप्ताह भाग्यशाली रहेगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कड़ी मेहनत से कार्यक्षेत्र में लक्ष्य पूरे होंगे, लंबित काम पूरे होंगे, पुराने मित्र से भेंट होगी, प्रेम जीवन रसिक रहेगा, प्रियजन सहयोग देंगे। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में जल दान करें।
पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। ये सप्ताह सामान्य रहेगा, कुमारों को नए साथी से मुलाकात होगी, कार्य क्षेत्र में परेशानी आएंगी, अपेक्षा अनुसार परिणाम ना मिलने से हताश रहेंगे, धन निवेश से बचें, आर्थिक तौर पर राहत मिलेगी। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में गुड़ चढ़ाएं। बात करेंगे छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की। ये सप्ताह उत्साहपूर्ण रहेगा, तरक्की के मौके मिलेंगे, कारोबारी लक्ष्य पूरे होंगे, कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन सुधरेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, छात्र प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे, प्रेमी भाग्यशाली रहेंगे। उपाय ये करें कि राधा कृष्ण मंदिर में पानी से भरी हुई मिट्टी की सुराही दान करें। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। ये सप्ताह खर्चीला रहेगा, कामकाज में उदासीनता रहेगी, कार्यक्षेत्र में अरुचि रहेगी, आर्थिक लक्ष्य पूरे होंगे, समारोह में खास भूमिका निभाएंगे, पारिवारिक यात्रा के योग हैं, प्रेमी को बड़ा उपहार देंगे। उपाय ये करें कि शिवालय में काले तिल चढ़ाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। ये सप्ताह संवेदनशील रहेगा, भावनात्मक समस्या दूर होगी, जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, निजी जीवन को लेकर उत्तेजित रहेंगे, व्यवसायिक व व्यक्तिगत जीवन के बीच में संचार क्षमता बढ़ेगी। उपाय ये करें कि बरगद पर दही की लस्सी चढ़ाएं। नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। ये सप्ताह भावनात्मक रहेगा, खुद पर ध्यान दें, किसी कारण से विचलित महसूस करेंगे, धैर्य रखकर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे, सेहत को लेकर सावधान रहें, खान पान पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि सूर्य देव को अर्घ दें। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सप्ताह जो है वो परिवर्तनशील रहेगा, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक तौर पर विचलित रहेंगे, बढ़े हुए खर्चों से बजट गड़बड़ाएगा, मित्र के प्रेमी से परिवर्तन के योग हैं, मित्रता जो है वो प्रेम में बदलेगी, ऐसे परिवर्तन के योग हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, गरीब महिला को तांबे का पात्र दान करें मकर राशि वालों, यह है उपाय आपके लिए। बात करेंगे ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। यह सप्ताह जो है वो संतोषजनक रहेगा, सेहत के प्रति सचेत रहें, कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, बेहतर प्रबंधन से जीवन संतुलित रहेगा, घरेलू खुशियों को प्राथमिकता देंगे। उपाय ये करें कि देवी लक्ष्मी पर ठंडी रबड़ी चढ़ाएं। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे। ये सप्ताह जो वो आशाजनक रहेगा, मित्रों से गलतफहमी दूर होगी, कामकाज में उम्मीद से अधिक लाभ होगा, करियर में अच्छे मौके मिलेंगे, दफ्तर में प्रदर्शन की प्रशंसा होगी, प्रेमी से अनबन दूर होगी। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में मसूर की दाल चढ़ाएं। तो दोस्तों ये था पूरे सप्ताह भर का साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर मीन राशि का। इस सप्ताह में हमने बात करी ग्रह और गोचर की, इस सप्ताह के विशेष पर्वों की बात की, आपको बताया शुभ योगों के बारे में, मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की बात की और ज्येष्ठ के कुछ विशेष उपाय बताए। और ये जो राशिफल था ये सोमवार 23 मई 2022 से लेकर रविवार 29 मई 2022 के बीच का रहा। तो अब आपसे ऐसे ही विषयों को लेकर आगे फिर मुलाकात होगी, कल फिर मुलाकात होगी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।